बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम लोग अपना इंटर पार्ट वन का चैप्टर फोर, जो कि एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस चैप्टर के लास्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिक्स इसकी जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कंप्यूटर की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है, ये यूज जो है वो है इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर क्या यूज है, या व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स है क्या? तो अगर हम ई कॉमर्स के मीनिंग्स देखें, तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, या अगर सादा से लफ्जों में सबसे सादा डेफिनेशन इसकी हम करें तो कंप्यूटर के जरिए खरीदारी। किसके जरिए खरीदारी? कंप्यूटर के खरीदारी। यानी कि ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, बाय करना, सेल करना या एक्सचेंज करना, किसको? प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को या फिर इंफॉर्मेशन को। अब बाय करना की तो समझ आती है कि जनाब, हम किसी भी स्टोर की वेबसाइट पे गए, वहां से हमें जो जो चीजें चाहिए वो हमने बाय कर ली। एक्सचेंज की भी समझ आ जाती है, लेकिन यूजर एंड पे हम सेल भी करते हैं। जिस तरह ओएलएक्स की एक एग्जांपल है, हम जाके अपनी चीज वहां पे अपलोड कर देते हैं और कोई दूसरा उस चीज को परचेज कर लेता है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर सेम टाइम पे बायर भी हैं, सेलर भी हैं और एक्सचेंज भी कर रहे हैं चीजों को। अब इसके लिए लाजमी नहीं है कि कोई मटेरियलिस्टिक हो, प्रोडक्ट हो, माइट भी सर्विस या इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये आपका ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। अब पीपल्स कैन बाय एंड सेल गुड्स ऑन इंटरनेट। आजकल तो आपको पता है कि ये बहुत एक कॉमन सी चीज हो गई है। इवन पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अब ये पेमेंट्स जो है ना, इसको कंप्यूटराइज भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन चीज परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ पेमेंट कर दें। या फिर आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर हमें एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि जब ऑर्डर हमारे गेट पे डिलीवर होता है तो हम उस टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ई कॉमर्स इज रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर। लाजमी सी बात है यार, ईज ऑफ एक्सेस है, यानी कि हर चीज आप घर बैठे हैं, आपको कहीं मार्केट में जाना नहीं पड़ रहा, कोई रिस्क नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई आपके एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, बल्कि आप घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं और चीजें आपके पास अवेलेबल हो रही हैं। तो लाजमी सी बात है, जहां पे यूजर को आसानी होती है वो चीज ग्रो करती है। उसके बाद हमारे पास है ई कॉमर्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का क्या मतलब है? देखिए, बैंक के अंदर भी तो हमारा सारे का सारा लेन देन होता है ना, तिजारत होती है। मैनी बैंक्स आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। तकरीबन तकरीबन अब हर बैंक जो है वो आपको ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग योर कंप्यूटर। अब ऑनलाइन बैंकिंग या ई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब क्या है? यूजिंग योर कंप्यूटर यू कैन कनेक्ट टू द बैंक। और अब कंप्यूटर की जगह पे आपको पता है कि बहुत सारे बैंक्स की मोबाइल एप्स भी आ गई हैं। बैंक्स कंप्यूटर सिस्टम वाया द इंटरनेट एंड कंट्रोल योर डेली फाइनेंशियल डीलिंग फ्रॉम होम। यानी कि पहले क्या होता था, चेक पकड़ो जी, पैसे ट्रांसफर करने हैं, एटीएम जाओ, वहां पे पेमेंट्स करो, ये करो, क्यू में लगो। अब क्या है, सिंपल, आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, जहां पे सेल परचेज कर रहे हैं, आप उस यूजर को ऑनलाइन घर बैठे बिठाए अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करें, या अगर किसी ने आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी है उसको वेरीफाई करें। तो ये सारे के सारे टास्क जो है
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जो कि रोल है ई कॉमर्स का, वो आप घर बैठे बिठाए कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है, अब देखिए हर बैंक जो है उसके 100% कस्टमर बैंक विजिट नहीं करते, बल्कि शायद 50% भी ना करते हो, क्योंकि कुछ लोग तो ऑनलाइन बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से अपना काम चला लेते हैं, बाकी जो छोटे मोटे लेन देन के मामलात होते हैं वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो हमने पढ़ा था ATMs वहां से निपटा लिए जाते हैं। तो इसके नतीजे में बहुत कम लोग विजिट करते हैं बैंक को, तो इट रिड्यूसेस द स्टाफ एंड बिल्डिंग ऑफ बैंक बहुत। अगर 100% लोग विजिट करेंगे तो आपको बैंक की बिल्डिंग बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी और स्टाफ भी बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सके, अपने कस्टमर को एंटरटेन कर सके। लेकिन अब जब आपको विजिट ही थोड़े लोग कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है आपका स्टाफ भी रिड्यूस हो जाएगा और बिल्डिंग छोटी से भी काम चल जाएगा। मैनी कस्टमर्स पे देयर बिल्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट यूजिंग दिस फैसिलिटी। ये सिर्फ बिलिंग के लिए नहीं है, ये आजकल बकायदा आपको पता है कि ताजर लोग जो हैं वो भी अपनी ट्रेड ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर करके करते हैं। उसके बाद सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ये आजकल बहुत पॉपुलर है, यानी कि बहुत पॉपुलर है पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर। मेल्स भी अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ जो है जो आप घर बैठे बैठे किसी भी लाइक द्राज वगैरह के जो शोरूम्स है वहां से अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो आपके घर पहुंचा दी जाती है। इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर द पीपल टू शॉप फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट्स देयर प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेट, जिनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑनलाइन अपनी चीजें रख देते हैं, जहां से आप चीज को देखते हैं उसके साथ उसकी सारी क्वालिटीज रखी होती है। मसलन अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो मोबाइल फोन जो आपके जो है, आपने जब मोबाइल फोन लेना होता है ना तो पहले आप वेबसाइट पे जाके उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। पीपल कैन ब्राउज द वेबसाइट, प्लेस एन ऑर्डर एंड इवन मेक अ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के अंदर, अभी हमने जो पहले पढ़ा था ई कॉमर्स में, कि आप वेबसाइट पे जाएं अपना ऑर्डर दें और चाहे तो पेमेंट कर दें, चाहे तो पेमेंट जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे। तो इससे क्या हुआ है कि शॉपिंग बड़ी आसान हो गई है और ये सहूलत असल में निकाली गई थी जो जॉब होल्डर बहुत मसरूफ लोग होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता शॉपिंग करने के लिए, ये सहूलत उनके लिए थी। लेकिन आजकल ये इतना पॉपुलर हो गया कि जो लोग घर में वेले बैठे होते हैं वो भी घर से ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जब आपने बिडिंग्स करनी होती है, ऑप्शंस करनी होती है, तो वो भी इस तरह से हो सकती है। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑक्शन, यानी कि आप कोई चीज सेल करना चाह रहे हैं, उसकी बोलियां लगवाना चाह रहे हैं, तो क्या होता है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑक्शंस के लिए यूज हो सकती हैं। पीपल्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन टू परचेज द प्रोडक्ट। अब देखिए ना, पहले ऑक्शन होती थी एक जगह पर जनाब चीज की नुमाइश की जाए, जो लोग वहां पे पहुंच सकते हैं वो उस चीज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास सिंपल है कि आप वो अपनी चीज को अपलोड करें, लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो वो उस चीज को देखें, अपना उसके अंदर बिडिंग करें, और अगर किसी ने वो चीज परचेज कर ली तो आपको पता है कि कोरियर सर्विसेज आजकल जो है वो ग्लोब वाइड इंटरनेशनली चीजों को डिलीवर करती है। दे कैन आल्सो पे प्राइस यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अ पॉपुलर वेबसाइट दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी इज ईबे, यानी कि ईबे की जो वेबसाइट है ये आपको ऑक्शंस की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बहुत मुश्किल होता था अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना, लोगों को बताना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इसके ये फायदे हैं। स्टार्टिंग में होता था कि लोगों को, आपने देखा होगा कि वो जो बिल बोर्ड लगे होते थे, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों के साइडों पर, उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस बना के लगा रहे होते थे ताकि लोगों को पता चले कि जनाब फलां प्रोडक्ट मार्केट में और उसका ये फायदा है, ये यूज है। आजकल ये काम भी ऑनलाइन हो रहा है। आप देखते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो साथ आपकी उसकी एडवर्टाइजमेंट्स आई हुई होती है, आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को देख रहे होते हैं, सम टाइम आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके अंदर उन्होंने एक एड बना के एम ही डाल दिया होता है,
जो आप ना चाहते हुए भी समटाइम देख लेते हैं और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है. ई कॉमर्स इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू मार्केट एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. द यूज ऑफ पॉपुलर वेबसाइट्स कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर. यानी कि जहां पे आपको पता है ना कि फलां जो वेबसाइट है उसको ज्यादा लोग विजिट करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी चीज जो है वो अपलोड कर लें, तो ऑटोमेटिकली जो लोग उसे विजिट करेंगे उनकी नजर से आपकी प्रोडक्ट गुजर जाएगी और आपकी एक एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टाइज हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी, और वो भी एक बड़े लेवल पे. उसके बाद प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज. आप कस्टमर केयर की सर्विसेज, आपको पता है कि तकरीबन बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं. बिजनेसमैन कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर यूजिंग इंटरनेट. यानी कि कस्टमर्स जो है वो आपको अपने रिव्यूज भेजते हैं, वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो इस तरह से आपको एक इंटरेक्शन हो जाता है अपने कस्टमर के, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है, उसके व्यूज क्या है, वो इसमें क्या चेंजिंग्स चाहता है, करंट प्रोडक्ट में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो ये आपके बिजनेस को इनहेंस करने के लिए बहुत बड़ा चांस होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग्स कर लें. दे कैन डिस्कस डिफरेंट इश्यूज अबाउट देयर प्रोडक्ट्स. दे कैन ऑल्सो डील विद देयर कंप्लेंट्स एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू देम. उसके बाद ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन है. ये तो बड़ी कॉमन हुई पड़ी है कि आप ऑनलाइन अपने जो कहीं पे आपने ट्रैवल करना हो, तो बजाय इसके कि आप स्टॉप पे जाएं, किसी टर्मिनल पे जाएं और वहां पे जाके पता चले कि जनाब गाड़ियों की टाइमिंग क्या है, आप घर बैठे बिठाए ऑनलाइन कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी रिजर्वेशन करवाएं. उससे क्या होता है, एक तो आपका टिकट कन्फर्म हो जाता है, दूसरा टाइमिंग कन्फर्म हो जाती है, आपसे अपने टाइम पे जाए और गाड़ी में जाके बैठ जाए, या एरोप्लेन आप अगर करवाना चाह रहे हैं रिजर्वेशन. तो ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन इज पॉपुलर यूज ऑफ ई कॉमर्स. पीपल कैन रिजर्व सीट्स इन एयरलाइन फ्लाइट्स, होटल्स और कार यूजिंग इंटरनेट. उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग है. आप ताजर हैं, तिजारत करना चाह रहे हैं. ऑनलाइन ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग इंटरनेट. आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं. द स्टॉक ब्रोकर्स कैन डू ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली. स्टॉक ब्रोकर्स, ये जो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, ये लोगों ने बड़े बड़े स्टॉक्स रखे होते हैं, तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो कस्टमर्स ढूंढ के लाते हैं बिजनेसमैन के लिए. दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग कंप्यूटर. बिडिंग के लिए भी ऑक्शन हमने पहले पढ़ा है. दे कैन ऑल्सो इंटरकनेक्ट विद कंप्यूटर स्क्रीन वेयर ब्रोकर मैच बायर विद सेलर. यानी कि ब्रोकर जो है वो कस्टमर ढूंढ के लाता है, बायर्स ढूंढ के लाता है, किसके लिए, सेलर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए. वो आप ये कह लेंगे एक इंटरमीडिएटर होता है जो दोनों तरफ से अपना कमीशन लेता है और उनके मामलात जो है वो आपस में तय करवाते हैं. इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज ऑक्शन एक्टिविटीज. लाजमी सी बात है, ऑनलाइन आप लोग मिल रहे हैं, आप अपने घर में, बायर अपने घर में है, सेलर अपने घर में है, और जो आपका ब्रोकर है वो भी लाजमी सी बात है अपनी किसी प्लेस पे होगा, अपनी लोकेशन पे होगा, तो आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट से नहीं करने पड़ते. उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है ई कॉमर्स का. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आर यूज्ड फॉर डिस्कशन. ऑनलाइन कम्युनिकेशन इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट ऑफ नॉर्मल मीटिंग. देखें जितने लोगों ने मीटिंग करनी है वो सारे के सारे एक चैट एक वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक के अंदर इकट्ठे हैं, सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं. इससे क्या होता है, इट एनेबल्स पार्टिसिपेंट्स टू सी हियर एंड प्रेजेंट मटीरियल टू वन अनदर एज इफ दे आर इन द सेम रूम. वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, और अगर कोई चीज किसी को दिखाना चाहे तो बिल्कुल इसी तरह दिखा सकते हैं जैसे वो सेम रूम में बैठे हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पास कर रहे हैं अपनी चीजों को. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन स्पीड अप बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स. यानी कि मसलन आपने कोई बिजनेस डिसीजन लेना है,
तो आपको लाजमी नहीं है कि आप अपने सारे के सारे जो वर्कर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मैनेजर्स हैं, आप उन्हें कहें कि जी जल्दी से पहुंचे मीटिंग रूम में। बल्कि क्या है, वो लोग अपने घर में रहे, आप एक ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करें, अपना डिसीजन लें और उस डिसीजन पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इनमें सबसे पहले है बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर या बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, यानी कि कोई बिजनेस, कोई कारोबारी, वो आम लोगों के लिए। कस्टमर आर कंज्यूमर कैन विजिट द वेबसाइट एंड परचेज गुड्स ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट कार्ड। पहले मैंने बताया ना कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी चीजें अपलोड कर देते हैं, हम लोग यूजर्स जो हैं या कस्टमर्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहां पे अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी, यानी कि आपका जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप डायरेक्टली उससे चीजें परचेज कर। सेकेंड थिंग इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आप आपस में चीजें ले दे रहे हैं। मेरे पास पुराना बाइक है, मैं ओएलएक्स पे अपलोड करता हूँ, कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर उसको परचेज कर लेता, मैंने वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं लिया, मेरे पास है और मैं आगे किसी और कंज्यूमर को दे रहा हूँ। कंज्यूमर टू कंज्यूमर या सी टू सी, ई कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंज्यूमर्स, इसमें कंपनी का कोई लेन देन नहीं है। वन कस्टमर सेल्स एन आइटम थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन, द अदर कंज्यूमर परचेज द आइटम बाय ऑफरिंग हाईएस्ट बिड। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मसलन हमने OLX पे अपलोड कर दिया, फिर हम देखते हैं कि उसका मैक्सिमम प्राइसिंग जो है, मैक्सिमम रेट जो है वो कौन लगाता है, जो उसके मैक्सिमम रेट हमें देगा उसके साथ हमारी डील डन हो जाती है। तो इसमें कंपनी का कोई लेन देन नहीं है, इसमें बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है, बल्कि हम अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड थिंग इज बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बी टू बी, अब इसके अंदर कंज्यूमर कहीं पे भी नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस या बी टू बी कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेसेस, दो कंपनियों के दरमियान, दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। वन बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर बिजनेस, यानी कि हम अगर ये कार मैन्युफैक्चरिंग के देखें तो सारी कार मैन्युफैक्चरिंग, हम टोयोटा की कार यूज करते हैं तो सारा काम टोयोटा खुद तो नहीं ना करता, टोयोटा तो असेंबली करता होगा, बाकी जो इसकी चीजें तैयार होती हैं वो उसने आगे किसी और बिजनेसमैन से, किसी और कंपनी के साथ कनेक्ट किया होगा जो उसको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। मैनी एडवर्टाइजिंग कंपनीज एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर कंपनी, ये बिजनेस टू बिजनेस है। ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं ये किसी और कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, यानी कि दोनों मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन आ गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, हमने पहले भी ई कॉमर्स के अंदर देखा है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वीडियो कैमराज माइक्रोफोन्स के थ्रू हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्मल मीटिंग का एनवायरनमेंट देती है, पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को अपना मटेरियल इसी तरह दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिस तरह एक कमरे में बैठे हुए वो एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं, अपने बिजनेस स्पीड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट है इजी वे टू कंडक्ट मीटिंग, सबसे आसान काम है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों, इट सेव्स मनी required for traveling etc, जो बाकी expenses है, saves time and effort, आपको जरूरत नहीं है कि आप जरा वेट करें 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे के सब लोग इकट्ठे हों और आप डिसीजन अपना लें। तो बेटा ये थी हमारे आज के टॉपिक्स, हम एक दफा इन्हें फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ई कॉमर्स क्या है, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है बाइंग सेलिंग exchanging of products, services and information via computer networks, यानी कि आप लोग चीजें buy कर सकते हैं, sell कर सकते हैं via internet, आप अपनी payment कर सकते हैं via credit card, और ये एक popular होती हुई चीज है क्योंकि इससे लोगों को आसानी और सहूलत मिल रही है। अब अगर हम इसके role देखें तो electronic banking में है, बहुत सारे बैंक्स जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस करवा रही है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप बैंक अपने कंप्यूटर से बैंक के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, घर बैठे बिठाए और अपनी डेली फाइनेंशियल डीलिंग्स पूरी कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि बैंक को कम स्टाफ और कम बिल्डिंग्स रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा आप अपनी बिलिंग वगैरह जो है वो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग, सेकेंड रोल
इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग था कि आप घर बैठे बैठे शॉप कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। इसमें होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के ऊपर, और आप लोग क्या करते हैं ब्राउजर के थ्रू उस वेबसाइट पे जाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर ट्रस्टी हो तो उस टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि ट्रस्ट हो उस कंपनी के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या फिर पेमेंट बाद में भी की जा सकती है। इससे क्या हुआ है कि शॉपिंग बड़ी आसान हो गई है, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता, आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता। उसके बाद कंडक्टिंग ऑक्शंस, बिडिंग्स, मेनी वेबसाइट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑक्शन, पीपल पार्टिसिपेट इन ऑक्शन टू परचेज अ प्रोडक्ट। आप कोई चीज अपलोड करते हैं, लोग उसके ऊपर बोलियां लगाते हैं, जिसकी ज्यादा बोली उसकी चीज हो गई। दे कैन ऑल्सो पे द प्राइस यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। और इस किस्म की जो वेबसाइट्स है उसकी एक एग्जाम्पल ईबे है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप अपनी चीजों को मार्केट कर सकते हैं ऑनलाइन, एडवर्टाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसमें किया क्या जाता है कि जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा लोग विजिट करते हैं, वहां पे आप अपनी चीज का एक एड बना के अपलोड कर देते हैं ताकि लोग उसे देखते हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विसेज है। कस्टमर सर्विसेज में आपको पता है कि जो बिजनेसमैन है वो इंटरेक्ट कर सकता है अपने कस्टमर्स के साथ, इस तरह उसे पता चलता रहता है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में यूजर रिव्यूज क्या है, वो डिस्कस करता है डिफरेंट इश्यूज अबाउट प्रोडक्ट, और सम टाइम वो कंप्लेंट्स को डील करके उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रैवलिंग, ट्रैवल रिजर्वेशन, आपने सीट बुकिंग करवानी है किसी एयरलाइन के ऊपर, किसी कार सर्विस के ऊपर, किसी होटल में रूम बुक करवाना है, तो ये सारे काम के लिए आप ऑनलाइन रिजर्वेशन का टॉपिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग है, क्या आपने ऑनलाइन चीजें परचेज करनी है या तिजारत करनी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग इंटरनेट। स्टॉक ब्रोकर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो क्या करते हैं बायर को सेलर के साथ मिलाते हैं और खुद अपना कमीशन लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे लोग अपने घर से ये काम कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि ना कोई पेपर यूज होता है, ना स्पेशल बिल्डिंग, और ना ही आपकी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगती है इस काम के लिए। उसके बाद लास्ट वन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आप वीडियो कैमरा माइक्रोफोन के थ्रू एक कॉन्फ्रेंस में इन है, तो उससे क्या होगा कि सब लोग आपको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अपनी चीजें भी दिखा सकते हैं, तो इस तरह से आपको एक रियल कॉन्फ्रेंसिंग का फील होता है माहौल, और इसमें क्या होता है बिजनेस को स्पीड अप करने का एक अच्छा चांस हो सकता है, एक आसान वे है मीटिंग्स कंडक्ट करने। उसके बाद ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स के अंदर पहली थी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि कोई एक जो आपका आप ये कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी चीजें अपलोड करता है और आप कंज्यूमर जाके उस चीज को वेबसाइट के थ्रू परचेज कर लेते हैं, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि आपका बिजनेस जो है आपका मैन्युफैक्चरर जो है उससे डायरेक्टली आप चीजें परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन। दूसरा कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, ये बड़ा सिंपल है कि दो कंज्यूमर्स आपस में चीजों का एक्सचेंज कर रहे हैं, एक कस्टमर जो है वो सेल कर रहा है, दूसरा जो है उसको परचेज कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बड़ी सिंपल दी है कि आपने कोई चीज सेल करनी हो तो आप उसे जाके अपलोड करते हैं ओएलएक्स पे, तो कोई दूसरा जिसे वो चीज चाहिए होती है वो, इसमें आप बिजनेस का कोई लिंक नहीं रहा, आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसका कोई लिंक नहीं रहा। एंड थर्ड वन इज बिजनेस टू बिजनेस, जब दो बिजनेस मिलके आपस में, इसमें आपका आपके कंज्यूमर का कोई लिंक नहीं रहा, तो इसके अंदर क्या है कि दो बिजनेस मिलके कोई काम करते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं वो किसी दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। बाकी सारी चीजें तो वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में इसके दिए हुए बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में है कि इजी वे है मीटिंग कंडक्ट करने का, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये सेव्स मनी, किसके लिए जो ट्रैवलिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, इसके अलावा बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स भी आपकी बच जाती है। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके बेनिफिट्स थे ई कॉमर्स के, जहाँ पे हम कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करके अपनी सारी जरूरियात परचेज कर सकते हैं,
एक्स्ट्रा चीजें सेल कर सकते हैं, लोगों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक था, होपफुल आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की होगी। तो इंशाल्लाह आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।